हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट कैप वाइज देखी जाए तो 14,000 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है, एक मतलब डिसेंट मिड कैप रेंज की कंपनी है। और कुछ समय में अगर देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैप और बढ़ते हमको यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रही है। और कंपनी यहाँ पे साल दर साल यहाँ पे 30-35% की ग्रोथ हमें लगता है कि इजिली कर लेगी, क्योंकि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हम लोग का AI की तरफ नजर आएगा, डेटा सेंटर की तरफ नजर आएगा। और ये एक तरह से कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन बिजनेस होता है, जिसके डिमांड कंटिन्यूअसली हम लोग को यहाँ पे बढ़ते नजर आ रही है। तो इसलिए भी थोड़ी सी आपको यहाँ पे हायर साइड पे वैल्यूएशन आज के रेट पे नजर आ रही है। 185 की PE आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो 61% की देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे जो PE है थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग है, थोड़ी सी फ्यूचर लुकिंग है, मतलब कंपनी के आने वाले समय में अर्निंग्स ग्रोथ को एस्टिमेट कर रही है यहाँ पे। अब देखो 400 करोड़ की ऑर्डर बुक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यूजुअली कंपनी यहाँ पे 1-2 क्वार्टर के अंदर एग्जीक्यूट कर लेती है। तो मतलब एक तरह से देख सकते हो कि ग्रोथ फर्दर आपको यहाँ पे और भी देखने के लिए मिल रही है। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो आधे साल में कंप्लीट हो जाती है और आधे साल बाद थोड़ा सा एक ग्रोथ के साथ और यहाँ पे ऑर्डर बुक आती है, तो आप लोग को यहाँ पे 800-900 करोड़ की और एडिशनल सेल्स यहाँ पे 2025 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी मार्च के अंदर। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी ही हम लोग को यहाँ पे फिर से एक तरह से कह सकते हो कि सेल्स ग्रोथ डिसेंट नजर आ रही है आज के रेट से, और ऑर्डर बुक आगे थोड़ा सा और आगे तेजी से बढ़ती है तो थोड़ा सा एडिशनल इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ मार्जिन के अंदर यहाँ पे आपको एक्सपेंशन देखने के लिए फर्दर और मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सेल्स के अंदर अगर AI के अंदर अगर देखा जाए तो अपनी यहाँ पे सेल्स बढ़ा रही है और AI की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। और AI एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मार्जिन्स के अंदर हम लोग को यहाँ पे काफी ज्यादा कह सकते हो बड़ा गैप देखने के लिए मिलता है। अभी फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक NVIDIA का चिप है, यहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसको इंडिया के अंदर, और शायद इकलौती कंपनी इंडिया में जो ये काम कर रही है। फर्दर और यहाँ पे इन्होंने स्टेशंस भी इंस्टॉल किए हैं जहाँ पे ये काम किया जा सकता है। तो और भी यहाँ पे AI के अंदर सेल्स के अंदर आप लोग को एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का और भी तेजी से इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग को स्टेबल नजर आ रही है। अभी के एंड पे हमसे पूछोगे एक प्रॉब्लम क्या है तो वो है करंट वैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 30-35% पे ग्रोथ नजर आ रही है और आप मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा डबल बढ़ भी जाती है, तो कहीं ना कहीं 60 के ऊपर भी यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ आ जाती है तो ये जो आपको 160 की PE है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन में ये पेन शायद हम लोग को देखने के लिए मिले और ये प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट स्लो मूव कर सकती है यहाँ से फर्दर अपसाइड अगर जाना हुआ तो। बट लॉन्गर रन में हमसे पूछोगे तो कंपनी डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकती है यहाँ पे। अब करंट प्राइस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे नजर आएगी, बट अगर आपको यहाँ पे चांस लेना है तो इन वाले लेवल्स पे स्टॉप लॉस लेके आप लोग चांस ले सकते हो। वॉलेटिलिटी जब टॉप पे आती है तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। टॉप पे वॉलेटिलिटी या बॉटम पे वॉलेटिलिटी यूजुअली सिग्नल्स आ ट्रेंड रिवर्सल, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाते नजर आ सकती है अगर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होती है तो। बट अभी के लिए जिस हिसाब से यहाँ पे आज इस प्राइस के हाई के ऊपर ब्रेक हुआ है, अगर मंडे को अगर यहाँ से आपको पुल बैक देखने के लिए नहीं मिलता और कंटिन्यूशन में अपसाइड जाती है तो इन वाले लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर यहाँ पे रिस्क वाला ये है कि 50 EMA से थोड़ा सा दूर ट्रेड कर रही है अभी कंपनी, तो एंटर करना रिस्की होगा, रिस्की साइड पे होगा इस टाइम पे एंटर करना अगर आप लोग स्विंग ट्रेड वगैरह ले रहे हो तो। बट अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से पर्पस से कंपनी को सोचते हो तो हमें लगता है कि स्लोली एंड स्टेडी पेस पे यहाँ पे थोड़ा धीमे धीमे पेस पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन एंड पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप लोग स्लोली एंड स्टेडली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को ऐड करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर साबित होगा, क्योंकि उसमें एवरेज आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। वैसे ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यहाँ पे आप लोग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जरूर यहाँ पे जानकारी लीजिएगा और जरूर उनसे पूछिएगा। अभी फिलहाल इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। ओके बाय।